आज का हमारा सेशन है ज्वाइंट। तो आज अपन डिस्कस करेंगे ज्वाइंट, यानी कि ज्वाइंट क्या होता है, राइट। ज्वाइंट का मतलब होता है कनेक्शन बिटवीन बोन एंड स्केलेटन, दैट इज कॉल्ड ज्वाइंट। ज्वाइंट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। फर्स्ट वन फाइब्रस ज्वाइंट। फाइब्रस ज्वाइंट मींस दैट इज कॉल्ड इमोबल ज्वाइंट, मींस नो मूवमेंट टेक प्लेस, राइट। इसलिए एग्जांपल की बात करें तो हमारा क्या आ जाएगा, स्कल बोन आ जाएगा और क्या आएगा, सुचर आएगा। आगे हम बात करेंगे कार्टिलेजनस ज्वाइंट। कार्टिलेजनस ज्वाइंट का मतलब होता है स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट, यानी मूवमेंट की पॉसिबिलिटी लिमिटेड रहेगी। इसमें एग्जांपल की बात करें तो वर्टेब्रल ज्वाइंट आ जाएगा। आगे पहुंचेंगे, तीसरा दिया हुआ है सिनोवियल ज्वाइंट, दैट इज कॉल्ड फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट, मींस ऑल डायरेक्शन टेक प्लेस मूवमेंट, दैट इज कॉल्ड सिनोवियल ज्वाइंट। सिनोवियल ज्वाइंट जो होता है इसको कैटराइज कर दिया जाता है फाइव पार्ट में। देखेंगे तो पहला हमारा बार एंड सॉकेट ज्वाइंट। बार एंड सॉकेट ज्वाइंट की हम लोग बात करेंगे तो इसमें एग्जांपल आ जाएगा शोल्डर और हिप ज्वाइंट, राइट। यानी हमारे शोल्डर और हिप में रहेगा। एल्बो ज्वाइंट की बात करें तो हमारा इसे क्या बोलते हैं, नी ज्वाइंट के नाम से भी जानते हैं। आगे ग्लीडिंग ज्वाइंट हमारे हथेली में पाया जाता है, कहाँ पे, कार्पल एंड टार्सल बोन में पाया जाता है, राइट, दैट इज ग्लीडिंग ज्वाइंट। पायोट ज्वाइंट यानी नेक में प्रेजेंट होता है, या कह सकते हैं बिटवीन रेडियस और अल्ना बोन में प्रेजेंट होगा। आगे सैडल ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट जो होता है हमारा थंब को बोलते हैं, किसके बीच होता है, बिटवीन कार्पल और मेटा कार्पल बोन के बीच में प्रेजेंट होता है। ये हमारा जो सिनोवियल ज्वाइंट स्ट्रक्चर में शो किया गया है, सिनोवियल मेम्ब्रेन दी हुई है, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज दिया हुआ है, और ये आपके बाहर से जो कवरिंग है कैप्सूल है। यदि हम बोन को बोन से जोड़ने की बात करें तो एक ट्रिक है आपके लिए, याद रखिएगा बबली। बबली का मतलब होता है बोन टू बोन कनेक्टिव आई, बी से बोन और एल से लिगामेंट, बोन टू बोन कनेक्टिव आई लिगामेंट। आज का हमारा सेशन इतना रहेगा, थैंक यू सो मच।